हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ई बाय एम, चार्ज टू मास रेशियो ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तक अपन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ली है, अब उसी इलेक्ट्रॉन के लिए अपन चार्ज टू मास रेशियो, देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यू आप सब जानते हो, बट ये वैल्यू कहां से आई, कैसे, वो सारे एक्सपेरिमेंट में आपको यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, इस एपरेटस से अपन को क्या वैल्यू मिलेगी, ई बाय एम, चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास की कंप्लीट वैल्यू यहां पर अपन को ऑब्टेन होगी। उस वैल्यू से अपन आगे क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वही आपकी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या बताइए, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब उसी एक्सपेरिमेंट में ये किसने किया था, वापिस से जेजे थॉमसन ने, किसने किया बताइए, जेजे थॉमसन ने ही ई बाय एम की वैल्यू कैलकुलेट करके दिया अपन। उसी एक्सपेरिमेंट में अपन ने यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जो आगे चल के अपने किससे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से अपन को ऐड कर रहा है। देखो, इसमें अपने पास में अपनी जो रेस थी वो रेस क्या हुई, स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या हो रही थी, प्रोपोगेट हो रही थी, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर? अब इन रेज को अपन ने किससे पास करेंगे, वन बाय वन थ्री केस लेंगे अपन, ए बी एंड सी, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या बोथ फील्ड या नॉट बोथ फील्ड। क्लियर? तो उस कंडीशन में अपन को क्या रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, उसी के बेस पे जेजे थॉमसन ने अपन को कौन सी वैल्यू गिवन दी, ई बाय एम 1.75 × 10^11 कूलम केजी इनवर्स। क्लियर? कैसे थी समझिए, जनरली कैथोड रे प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी इफेक्ट, ना कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अब देखो, यहां मैंने एक चीज रखी है, ये आपकी मैग्नेट लगी हुई है और ये इलेक्ट्रिकल प्लेट लगी हुई है, ई एंड एम, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, M for magnetic field, both are perpendicular. दोनों क्या है, perpendicular. समझो इसको, ये अपना इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा हुआ है, जैसे अपने पास में ये बुक आपको देखो, ये अपना इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब अपने पास में अगर ऐसे अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, देखो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो अपने पास में इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, अपने पास में मैग्नेटिक लगेगी। इसी बुक में जैसे ये आपका पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान समझिए, इंस्ट्रूमेंट को मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, और यहां पर ये क्या लग रहा है, सीधा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो अपने पास में ऐसे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो आपके डायरेक्शन है दोनों क्या बता रही है आपको, परपेंडिकुलर। क्लियर? तो देखिए इधर, ये अपने पास में अगर ऐसे लग रहा है तो ये मैग्नेट आपकी ऐसे लग रही है, दोनों क्या है आपकी, दिख रही है आपको क्लियरली, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर? ये तो बात होगी डायरेक्शन। अब देखो केस फर्स्ट, अपना पास जब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में क्लियर किया था, कैथोड रेज आल्सो अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन डिफ्लेक्शन आल्सो ऑब्जर्व, रिफ्लेक्शन हुआ था, उसी को अपन यहां पर पब्लिसिफिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो अपने पास में देखो, ये अपने पाथ से क्या हुई, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, कुछ एंगल से क्या हो रही है आपकी, डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर अपन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये अपने पाथ से क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर अपन ने क्या किया, या तो दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई करेंगे या कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई कभी हो ही नहीं सकते, आप करोगे तभी नहीं होंगे, दोनों आपकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है,
या तो दोनों एक साथ अप्लाई करो या दोनों मत करो, तो अपने पास में ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में क्या होगी, ये अपन को ऑब्जर्व होगी। तो ए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी नॉट प्रेजेंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या बोथ प्रेजेंस। तो ये वाले दो जो अपन को स्पेट स्पोर्ट ऑप्टेन होते हैं वो कहां पे होंगे, आपके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, कहां पे होंगे बेटा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, जो अपन को रिजल्ट ऑप्टेन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या दोनों की प्रेजेंस या नॉट प्रेजेंस में अपन को क्या रिजल्ट ऑप्टेन होते हैं, उसी को आइडेंटिफाई करके जैसे थॉमसन ने अपन को कौन सी वैल्यू दी, ई बाय एम, ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अपने पास नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ई बाय एम इज इक्वल टू 1.75 F F 20 × 10^11 कूलाम पर केजी, ई कूलाम मास केजी, तो यूनिट हो जाएगी अपने पास में कूलाम केजी इनवर्स। क्लियर, इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या ऑब्टेन हुई, इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाय एफ की वैल्यू 1.75 F F 20 × 10^11 कूलाम केजी इनवर्स। क्लियर, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिससे अपन ने ऑब्टेन कर लिया ई बाय एम चार्ज टू मास रेशियो और इलेक्ट्रॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स।